पिक्चर है मेरी और अथिया की, तो हमें प्लीज थोड़ा प्यार दो आप लोग का और आप लोग का थोड़ा सपोर्ट देना। आज हम लोग का फिल्म रिलीज हुआ है थिएटर्स में, पर आप लोग के लिए हमारे राहुल भाई ने स्पेशल स्क्रीनिंग रखा है। तो राहुल भाई कहाँ है? तो थैंक यू राहुल भाई। एंड पिक्चर अच्छी लगे ना लगे मालूम नहीं, पर हम दोनों ने बहुत मेहनत किया, तो प्लीज हमें सपोर्ट दो। थैंक यू। मिला मैं भी गेटी गैलेक्सी से यहाँ पे ग्लोबिस पे आ रहा हूँ। गेटी गैलेक्सी भी फुल चल रहा है एंड हाउसफुल था वहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है, लोगों के रिएक्शन अच्छे लग रहे हैं। अभी शाम तक मालूम पड़ेगा कि क्या है, और कल तक मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या है। यहाँ पे हम आए थोड़े बच्चों के लिए शो रखा है, और हमें यूथ का सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे आने से अच्छा और हमारे लिए क्या हो सकता है। और एंट्री की अगर बात करें, एंट्री पे आपने कुछ सीटियां तालियां सुनी? बच्चे सीटियां मार रहे, बच्चे तालियां मार रहे, तो इतना प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों का प्यार देखे आपको कैसा लग रहा है कि मतलब बच्चे आपकी फिल्म को इतना पसंद कर रहे हैं? डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग ने बनाई है उन लोगों के लिए। आपकी जो फिल्म है जी, उसमें कितना आपको एक्टिंग का कितना प्रेशर था काम को? हर न्यू कामर को एक्टिंग का प्रेशर होता है, हर एक्टर को एक्टिंग का प्रेशर होता है, तो ऑब्वियसली हमें भी लगा था। लेकिन निखिल सर और सलमान सर इतनी सपोर्टिव है कि कभी ऐसे प्रेशर महसूस होने ही नहीं दिया।
तो हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल थे सेट पर। डेफिनेटली बना है, मैं हूँ हीरो तेरा अभी भी नंबर वन चार्ट्स पे, रेडियो पे, टीवी पे, हर म्यूजिक चैनल पे नंबर वन चल रहा है, तो डेफिनेटली यूएसपी है। सूरज, आपने कल कहा था कि आप दोनों अभी तक फिलहाल रिव्यूज और क्रिटिसिज्म को लेकर रेडी नहीं थे, आज जब रिव्यूज आ चुके तो आपको क्या कहना? मैंने तो नहीं पढ़ा है अभी, मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। आई थिंक हम लोग जब घर जाएंगे तब पढ़ेंगे और तब आपको बताएंगे। ओके, अगर हम आपको कुछ बताने के लिए थोड़े से ऑडियंस जो वर्डिक मिला है क्रिटिक्स के साथ थोड़ा मिक्स मिला है? नहीं देखो, थोड़े लोग हैं, देखो अलग टाइप के लोग हैं, थोड़े लोग को पसंद आएगी, थोड़े लोग को नहीं आएगी। आई थिंक वो हर फिल्म के साथ, वो तो हर फिल्म के साथ होता है, एक फिल्म परफेक्ट नहीं हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस है, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस है, तो लाइफ ही ऐसे है, कोई लोग को पसंद आएगा कोई लोग को नहीं। और हम लोग की फर्स्ट फिल्म है तो हम लोग ने अपने तरफ से जितना किया अभी ऑडियंस को पसंद आए नहीं आए वो हमारे हाथ में है, नहीं वो तो ऑडियंस के हाथ में। अच्छा, क्या लगता है वो जो सलमान जो है एक्टर के साथ साथ नया एक सिंगर भी मिल रहा है बॉलीवुड को, ऐसा लग रहा है आपको? सर गाना तो अच्छा गा लेते पर सलमान सर तो मैं स्टार है, स्टार ही रहेंगे और मेरे को नहीं लगता है ज़्यादा गाएंगे वो, उनको मन आता है तो वो गाते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।